Shalom, everybody. Praise the Lord, may the Lord Jesus Christ bless you all. हम परमेश्वर का धन्यवाद और आपके परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको और हमें सब लोगों को ये अवसर दिया है कि हम ऑनलाइन संडे सर्विस में यहाँ जमा हो सके हैं अपने अपनी जगहों पर. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए भी करते हैं कि उसने संभव किया, उसने होने दिया कि आप और मैं यहाँ जमा हूँ और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और आज के संदेश, आज के वचन, आज की शिक्षा को भी सीखने पाएं, ताकि शिक्षाएं, ताकि ये परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवनों में परमेश्वर के समान जिंदा जिंदापन पैदा कर सके, ताकि लोग हमें पर जीवित परमेश्वर को देखने पाए. इससे पहले कि हम आज की आराधना को, आज की से वचन की सेवकाई को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आप धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं. इस नए दिन और नई सुबह को आपके हाथों में देते, आपके नाम से शुरू करते आज की आराधना पर, आप आज के संदेश पर आपकी आशीष हो, आपका नियंत्रण पाया जाए और पवित्र आत्मा जी आप हमारी सबकी सहायता करें, मदद करें कि कलीसिया वचन के द्वारा से, आराधना के द्वारा से परमेश्वर को महिमा दे, प्रभु यीशु मसीह की सरबुलंदी करे और वचन कलीसिया में जड़ पकड़ने पाए और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के मन मुताबिक नव निर्माण प्राप्त कर सके. प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमेन. आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमें मौका मिला कि हम उसकी आराधना कर सकें और आज जो गीत हमने चुना है वो उसके महिमा के लिए और उसके नाम को ऊंचा करने के लिए है. आइए हम जहां जहां भी अपनी जगह पर हैं तैयार हो जाएं और इस गीत के द्वारा आशीष पाएं. आइए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम को अपने घरों में से ऊंचा करेंगे और इस गीत से आशीष पाएंगे. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं आपका. आओ हम यहोवा का धन्यवाद
प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए और इस अच्छे गीत के लिए जो कलीसिया ने सुना और गाया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके फाटकों में स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये यहोवा की फाटक ऐसे हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल वही जिन्हें यहोवा अपने करीब आने देता है, जिन्हें यहोवा अपने नज़दीक आने देता है। और यहोवा के करीब आने का केवल एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई दूसरा रास्ता है यहोवा के करीब आने का, तो वो स्वयं यहोवा ही है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही ने लोगों को अपने करीब आने का अवसर दिया था। उस टाइम पे भी जब अन्य जातीय लोग यहोवा के करीब जाते थे तो यहोवा उन्हें आने देता था अपने अनुग्रह और अपनी दया की वजह से। आज भी वही बात है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर यहोवा तक पहुंच सकते हैं और उसकी उपासना, उसकी आराधना कर सकते हैं। और आज का संदेश भी ऐसा ही है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का इस ऑनलाइन संडे सर्विस में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ओर से स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु के नाम में आप सब लोगों को आशीष देता हूं और यही कहता हूं कि आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में परमेश्वर की शांति बहुतायात से वास करने पाए। शालोम ऑन यू। आज का हमारा थीम है हीलिंग अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, चंगाई परमेश्वर की ओर से उपहार, चंगाई परमेश्वर की ओर से उपहार। ये हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर यहोवा में अपनी आस्था को रखता है, अपने विश्वास को रखता है, अपने भरोसे को रखता है, हर एक उस व्यक्ति में जो प्रभु यीशु मसीह में अपने ईमान को रखता है, अपने विश्वास को रखता है, चंगाई उनके लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। इस चंगाई का एक प्रोसेस है, चंगाई का एक तरीका है जो आपको और मुझे अपनाना है ताकि हम परमेश्वर यहोवा के इस बेशकीमती बहुमूल्य उपहार को प्राप्त कर सकें। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, आपके पास भी हैं बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारी बातें मेरी हैं और बहुत सारी बातें किसी और लोगों की हैं, दूसरे लोगों की, जिनके जीवनों में मैंने इस चीज को देखा, जिनसे मैंने सुना कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके जीवनों में काम किया है। तो ये परमेश्वर की ओर से चंगाई एक उपहार है, गिफ्ट है जो परमेश्वर चाहता है कि उसके हर बच्चे के पास पहुंचे, और आपके मेरे पास ये निश्चित आएगा और होगा, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है। देखिए आप मेरे साथ निकाले, आज का हमारा रीडिंग रेफरेंस है निर्गमन की किताब, उसका 23 अध्याय 25 पद, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, निर्गमन की किताब, जेनेसिस, एक्सोडस, उत्पत्ति और निर्गमन, पुराने नियम में, उत्पत्ति के बाद दूसरी किताब, निर्गमन की किताब, उसका 23 अध्याय और 25वीं आयत, यहां ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यह परमेश्वर यहोवा की ओर से एक दिशा निर्देश है, एक विश्वासी के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए, एक उस स्त्री और पुरुष के लिए जो परमेश्वर यहोवा पर अपना भरोसा रखता है, परमेश्वर यहोवा पर अपना अपनी आशा रखता है। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर कर देगा। ये दोनों बेनिफिट एक विश्वासी को मिलेंगे एक काम करने के द्वारा से, और वो है जीवते परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की उपासना करना। परमेश्वर की उपासना करने से, परमेश्वर की उपासना करने से पहला बेनिफिट जो होगा वो होगा कि उपासना करने वाले व्यक्ति के अन्न और जल पर आशीष आएगी। अधिकतर बीमारियां आज जो फैलती जा रही हैं वो खान पान की वजह से फैलती जा रही हैं। मोस्टली लोग इस बात को जानते हैं कि खान पान की चीजें अब संतुलित नहीं रही, किसी भी प्रकार की मिलावट या किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ियां उनमें पाई जाती हैं। पहली बात, परमेश्वर आपके अन्न और जल पर आशीष देगा
और सेकंड पॉइंट जो उसका रहेगा वो रहेगा कि वो आपके बीच में से रोग दूर कर देगा। अन्न और जल की वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसकी आशीष आपको डेफिनेटली मिलेगी। परमेश्वर देना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि ये बातें आपके पास रहें, बस आप उसकी उपासना करें। परमेश्वर की उपासना करना, उपासना के द्वारा से चंगाई। आज का पॉइंट नोट कर लें आप इसे, उपासना के द्वारा से चंगाई। उपासना में, परमेश्वर की उपासना करने में कुछ चीजें शामिल होती है जो मैंने लिखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लिख लें या फिर ध्यान से सुनते रहें उनको। लिखा है आदर करना परमेश्वर का उपासना करने में। जितने लोग स्त्री पुरुष इस बात को सुन रहे हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो उपासना में ये वाली बातें पाई जानी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। उपासना करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उपासना किस किस प्रकार से होती है। पहली बात, आदर करना, उसका सम्मान करना, परमेश्वर यहोवा का सम्मान करना, आराधना करना, उसकी इज्जत करना, उसकी बात को मानना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, उसका आदर मान करना, सबके द्वारा और सब कुछ में परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये उपासना में चीजें शामिल होती हैं। 6 फरवरी 2021 की रात में जब मैं सो रहा था तो मुझे स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न में एक व्यक्ति मुझसे ये कह रहा था ये वाली बात। निर्गमन 23:25। और जब मैं उठा मेरी प्रार्थना करने के समय पे तो सुबह हो चुकी थी तब, मतलब ये ड्रीम मुझे उसी वक्त पे आया जब मेरा उठने का टाइम ही था। और मैं बहुत सारी बातों को दिमाग में लेकर के सोया था, प्रार्थना करके रात को 11:30 बजे के बाद मैं सोया। ये वाली बात बस मेरे माइंड में थी, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं प्रभु, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, रोजगार की वजह से, फाइनेंस की वजह से, शरीर की वजह से, कई सारी चीजें। मैंने परमेश्वर के सामने उस दिन रात को खोली और मैं ये बात करके परमेश्वर से सो गया कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इसका उपाय आपके हाथ में है, इसका इलाज आपके हाथ में है, इसका समाधान आपके पास है, आप विश्वास करिए। मैं ऐसे ही बात करके परमेश्वर से सो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं रोजगार की वजह से। कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है, कुछ के पास रोजगार है, काम करके आ गए तो पैसा नहीं आ रहा। ये कई सारी चीजें हैं आपके रोजगार में, आपके अन्न जल में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपकी कमाई के संसाधनों में भी रोग लग जाता है। रोग लगने का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, बीमार पड़ जाने का मतलब होता है सुस्त हो जाना, सुस्त हो जाने का मतलब होता है हमारे चेहरे से रौनक चली जाती है, हमारी शांति चली जाती है, हमारा आनंद चला जाता है, एक व्याकुलता आ जाती है, एक अस्थिरता हमारे अंदर आ जाती है, सेहत चली जाती है, चार्म खत्म हो जाता है, खूबसूरती चली जाती है। एक बीमार व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं उसके चेहरे पर रौनक नहीं होती है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, वो उदासीन रहता है, उसकी बातों में आपको विनम्रता नजर आने लगती है। ऐसे ही रोजगार में भी रोग लग जाता है। आप अपने काम की जगह पर चले जाते लेकिन काम आपके पास नहीं आता है, आप काम करके आते लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता है, या तो टाइम पे नहीं मिलता है या फिर पूरा नहीं मिलता है। इसे कहते हैं रोग लग जाना। रोग केवल शरीर में ही नहीं लगता है, लोग व्यक्ति के रोजगार में भी लग जाता है रोग, उसकी फैमिली रिलेशंस में भी रोग लग जाता है, उसके फ्रेंडली रिलेशन में भी रोग लग जाता है, कई चीजों में रोग लग जाता है। और जब रोग किसी के जीवन में आ जाता है तो वहां से खूबसूरती खत्म हो जाती है, फ्रेशनेस, फलवंतता खत्म हो जाती है, चेहरे से भी चली जाती है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लोग इस बात को देख रहे होंगे, मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कि मैं बीमार नहीं हूं। ठीक वैसे आप अपने आसपास बैठने वाले व्यक्ति को भी देख सकते हैं। आप जब अपने किसी रिश्तेदार से, किसी अपने सगे संबंधी से, अपने किसी पड़ोसी से मिलने जाते हैं तो उसके चेहरे से ही आपको लग जाता है उदासी है, एक रोग लग गया है। काहे में? खुशी में, आनंद में, शांति में, तसल्ली में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपका आनंद
रोगी ना पाए जाएं, तंदुरुस्त पाए जाएं, भले चंगे पाए जाएं, ताकि वो हमेशा आपके फेस से चमकते रहें, हमेशा आपके चेहरे से लोगों को दिखाई देते रहें कि ये आनंदित है, ये बहुत खुश है, ये बड़ा प्रसन्न चित्त नजर आ रहा है। और इसकी वजह केवल ये है क्योंकि ये तंदुरुस्त है। और तंदुरुस्ती केवल शरीर की नहीं, दिमाग की, दिल की, मन की, विचार की, भावनाओं की, फाइनेंस की भी होती है, रोजगार की भी तंदुरुस्ती होती है, बिजनेस सफर करने लगता है, व्यापार कमजोर होने लगता है, रोग लग गया है उसमें असफलता का। ऐसे ही यहां पे बाइबल हमें साफ शब्दों इस बात को समझाती है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर स्वयं यहोवा इस बात को कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। और उपासना करने का मतलब सप्ताह के पहले दिन, पुनरुत्थान के दिन, या किसी के घर में कोटेज प्रेयर मीटिंग के टाइम पे आप जाकर के वहां आंख बंद करके गिटार बजाएं, कैसियो बजाएं, आप आराधना करें, स्तुति करें, हाथ उठाएं, घुटने टेक दें, आप लंबे नतमस्तक होकर के उपासना करें, आराधना करें, उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही नहीं, जब आज आपको समय मिला है आराधना करने का, तो आप यहां पे बिल्कुल नतमस्तक हो गए। यहां से निकलने के बाद की क्या बात है। पिछले दिनों मैं अपनी प्रार्थना करने की जगह पे प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते 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 इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया मोमेंट मेरे साथ था, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और मैंने भी पूरी प्रार्थना रोक दी और मैं बिल्कुल साइलेंट बैठा रहा, पता नहीं कितनी देर बैठा रहा। बाद में जब मैंने टाइम देखा तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जगने के बाद, प्रार्थना पे मैं बैठने के 10 मिनट के बाद ही ये प्रोग्राम शुरू हो गया, और मेरी प्रार्थना का पूरा समय निकल गया, जितने समय पर मैं प्रार्थना करता हूं वो सारा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद मुझे और एक्स्ट्रा प्रार्थना में समय लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी प्रार्थना तो पूरी करनी ही थी। वो पूरी देर में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता रहा, और उस बात के ऊपर फिर मुझसे विचार विमर्श करता रहा। वो बात क्या थी? बात यह थी कि हर एक विश्वासी, ध्यान से सुनिए आप, बहुत ही आनंद की बात होती मेरे लिए अगर आप, मैं आपको फेस टू फेस देख करके ये बात कहता तो, लेकिन अभी भी मेरे अंदर उसी बात को कहने का उतना ही उत्साह और उतना ही आनंद है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे एक बात कही कि ये इस प्रकार, जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जैसे प्रार्थना कर रहा हूं, जैसे आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सब मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जब एक प्रार्थना करने वाला जैसा अपनी प्रार्थना की जगह पे वो होता है, यदि वहां से निकलने के बाद भी वो वैसा ही रहे, तो दुनिया बदल जाएगी। आप और मैं प्रार्थना करने के समय पे प्रभु यीशु मसीह के बराबर रहते हैं, विनम्रता में, दीनता में, सहनशीलता में, पवित्रता में, धार्मिकता में, आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की बात मानने में, बलिदान करने में, सहयोग करने में, यीशु मसीह के बराबर हो जाते हैं प्रार्थना के समय पे हम लोग। मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। आप में से हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना के टाइम पे होता, तो बहुत ही महापवित्र व्यक्ति होता है वो उस वक्त पे, बिल्कुल निर्दोष, निश्चल, निष्कपट व्यक्ति होता है वो वहां पे। परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा कि जैसा हर एक प्रार्थना करने वाला अपनी प्रार्थना की कुठरिया में होता है, अगर उसके बाद भी वो वैसा ही रहे, तो मेरे प्रियो प्रार्थना करने वालों, दुनिया बदल जाएगी। आपको और मुझे इस बात से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मेरे लिए तो इसमें एक बहुत बड़ा भेद, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छिपी है, मैंने तो इसको ले ही लिया है। मेरा प्रयास यही है कि जैसा मैं अकेले में अपनी प्रार्थना में रहता हूं, वैसा ही मैं बाहर भी दिखाई दूं, अंदर और बाहर एक ही जैसा। उपासना करना परमेश्वर की, तब आपके और मेरे अन्न जल पर से पाप और श्राप दूर होंगे, तब हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से रोग दूर होंगे उपासना के द्वारा। यह सर्वशक्तिमान इज़राइल के कर्ता, सेनाओं के यहोवा की सलाह है आपको, यह उसका वचन है, यह प्रॉमिस है उसका आपके लिए, मेरे लिए प्रतिज्ञा है, यह उसकी, ये उसकी एक डायरेक्शन है आपके और मेरे लिए, एक मार्गदर्शन है परमेश्वर यहोवा की ओर से आपके और मेरे लिए, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना करना यानी कि परमेश्वर यहोवा का आदर करना, और आप उसका आदर उसकी बात माने बिना नहीं कर सकते। कोई भी बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति उसकी बात माने बगैर उसका आदर नहीं कर सकता है। उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, सम्मान करने का मतलब क्या होता है? उसको अपने बीच में अपने लोगों के बीच में ऊंचा उठाना, सम्मानित करना। कोई नेता आ जाए ना आपकी, हमारे मोहल्लों में, हमारी कॉलोनियों में, हमारे प्रोग्राम्स में, तो हम फूल मालाएं डाल करके उसका स्वागत करते हैं।
बढ़िया गरम शोल ओढ़ा करके उसके कंधों पर डाल करके उसका सम्मान करते हैं। क्या आपने और हमने अपनी सभाओं में परमेश्वर के लिए ऐसा किया? परमेश्वर का सम्मान करना उपासना में शामिल है, ये उस उपासना में जिसे परमेश्वर आपसे और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। परमेश्वर उपासना को आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसकी उपासना करें। उपासना केवल सिंगल एक वर्ड नहीं है, दिखने में आपको सिंगल एक वर्ड दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी फौज खड़ी है। आपको मैं एक अकेला व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं, ये फ्लैश, ये फिजिकल, ये बॉडी, ये शर्ट, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है। प्राण है, आत्मा है, सोच है, समझ है, विचार है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें मिलकर के एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाती हैं। कई सारी चीजें मिलकर के एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाती हैं। बहुत सारे लक्षण हैं जो एक स्त्री को मिलकर के स्त्री बनाते हैं। बहुत सारे लक्षण हैं जो एक पुरुष को मिलकर के पुरुष बनाते हैं। बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो एक घोड़े को मिलकर के घोड़ा प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये सारे लक्षण इस घोड़े के हैं, घोड़ा ही है, ये ऊंट नहीं है। ऐसे ही उपासना सिंगल एक वर्ड दिखाई देता है लेकिन इसकी शाखाएं बहुत सारी हैं। क्या है? आदर करना, यहोवा का आदर करना, यहोवा का सम्मान करना, यहोवा की आराधना करना, यहोवा की इज्जत करना, यहोवा की बात को मानना, यहोवा को पहला स्थान देना, यहोवा का आदर मान करना। सब चीजों के द्वारा से जो कुछ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, धन संपत्ति, रुपया पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, देह, प्राण, आत्मा, पति, पत्नी, बच्चे, जो कुछ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उस सब के द्वारा और सब कुछ में उसकी उपासना करना, यह है यहोवा की उपासना करना। अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को सही लेवल पर ले आए तो ये मान के चलिए कि परमेश्वर आपके अन्न और जल पर से रोग दूर करेगा, दोनों प्रकार के। उसको खाने से हमारा पेट नहीं गड़बड़ाएगा, हमें बदहजमी, अपच, इनडाइजेशन नहीं होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और प्लस हमारे अन्न जल के ऊपर से श्राप टूट जाएंगे, रोग टूट जाएंगे, रोग हट जाएंगे। अब हमारी इनकम पर आशीषें आएंगी, सफलता आएगी हमारी इनकम पर, जो हम मंथली भर में पैसा अपने घर में लेकर के आते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। उपासना के द्वारा यह हो जाएगा। अगर आप और मैं आज इस बात को, इस फॉर्मूले को समझ गए तो आपको और मुझे अपनी बीमारी के लिए बहुत कम मौका मिलेगा किसी से प्रार्थना करवाने का। उपासना करना सीख जाएं ताकि रोग हमसे दूर हो जाएं। और उपासना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा विषय है, इसे समझने की बहुत सख्त जरूरत है। उपासना को मेरे साथ निकालें आप, उपासना का ही एक भाग, नीति वचन की किताब, उसका 3:9-10 पद। नीति वचन उसका 3:9-10 पर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:9-10। यहां पर नीति वचन का लेखक सलाह देता है अपनी संपत्ति के द्वारा। संपत्ति का मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं होता, टोटल संपत्ति क्या है आपके पास, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आप और मैं ऐसा करके परमेश्वर की प्रतिष्ठा, हमने पढ़ा कि उपासना में प्रतिष्ठा भी एक शब्द है,
उसकी प्रतिष्ठा करना, उसका सम्मान करना, उसको लोगों के बीच में आदर के योग्य घोषित करना प्रतिष्ठा करके। जब आप और मैं अपनी संपत्ति परमेश्वर के लिए देते हैं तो लोगों के बीच में हम इस बात को प्रकट करते हैं कि मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहा हूं, उसको प्रथम स्थान दे रहा हूं अपनी संपत्ति देकर के भी। क्योंकि मैं ये सोचता हूं, मेरा अपना ये मानना है और मैंने देखा भी है कि आप अपनी संपत्ति का हिस्सा आसानी से किसी को नहीं देते, आसानी से नहीं देते। आप अपनी संपत्ति का पूरा भाग अपने ही बीवी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने बच्चों में बांटते हैं। अगर आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा किसी को दे रहे हैं तो आप ये कह के उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपको अपनी निज संपत्ति में से भी दे रहा हूं। राजा सुलेमान हमें सलाह देता है कि अपनी निज भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आप उसको देकर के भी उसकी उपासना करते हैं, आप परमेश्वर को अपनी संपत्ति में से देकर के भी उसकी उपासना करते हैं। अगर आप अपनी संपत्ति में से जो परमेश्वर का भाग आपके मेरे ऊपर बनता है 10%, अगर हम 7% या 8% दे रहे हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में से 7 या 8% ही उपासना दे रहे हैं, और 7 या 8% उपासना दे करके हम 10% उपासना का प्रतिफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? समय का, रुपए पैसे का, जीवन का, शब्दों का, व्यवहारिकता का, जो भी हिस्सा आपके और मुझ में बनता है परमेश्वर के प्रति देने का, उपासना करने में, वो सब कुछ देकर के उसकी उपासना करें। अपनी कुल धन संपत्ति के द्वारा, अपने टोटल व्यक्तिगत जीवन के द्वारा से आप परमेश्वर की उपासना करें, आप परमेश्वर की उपासना करें। लूका 10 अध्याय का 27 पद आप अपने घर में जरूर पढ़िएगा, मैंने कल उसे पढ़ाया था। अगर वो कर गुजरे हम तो फिर हमारे मन में हमारे पास किसी और को देने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है, हमने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। मेरे साथ निकालें आप निर्गमन की किताब 15 अध्याय 26 पद, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 6। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, निर्गमन 15 अध्याय 26 पद, यहां पर परमेश्वर यहोवा सेम बात को दोहराते हैं। क्या कहते हैं? कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसको और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। आप परमेश्वर की उपासना तब तक ठीक रीति से नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से सुनकर अपने जीवन में काम करने ना दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस ट्रैक पे, जिस तरीके से चल करके मुझे परमेश्वर की उपासना को करना है वो रास्ता ही मुझे पता नहीं है, वो रास्ता ही मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे परमेश्वर की उपासना करूंगा? मैं जैसे जैसे परमेश्वर को जानता जाऊंगा मैं वैसे वैसे परमेश्वर को परमेश्वर के मन मुताबिक, उसके मान सम्मान मुताबिक, उसके कद उसकी हाइट के मुताबिक उसे उपासना देता रहूंगा जिसके वो योग्य है। लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, वही करे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर तान लगाए। उसकी बात को माना जाना भी उसकी उपासना का एक भाग है, उसकी उपासना का एक भाग है। कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, सारे नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन यापन करने के लिए दिए हैं, इस संसार में जीने, खाने के, ओढ़ने, पहनने के, चलने के, वेशभूषा के, जितने तौर तरीके परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सलाह देता है कि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों और पुरुषों को किस प्रकार से अपने आप को वस्त्रों से सजाना चाहिए, किस प्रकार का खान पान उनका होना चाहिए, किस प्रकार से उनका जीवन यापन, उठना बैठना, चलना फिरना, उनका मन मिजाज, उनका स्वभाव, उनका लेन देन किस प्रकार का होना चाहिए, यदि ये सारी बातों में हम चूक जाते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम उपासना को ठीक रीति से नहीं कर सकते। अगर हम उपासना ठीक ढंग से नहीं कर पाए तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमारे अन्न और जल पर से रोग दूर नहीं होगा, ना हमारे शरीर पर से रोग दूर होगा। क्योंकि तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस भी बीमार व्यक्ति को चंगा किया उसको यही बोला कि अब आगे से पाप मत करना, जा
परमेश्वर की उपासना और आराधना कर। जब इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोला कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जाकर के जो कोढ़ी चंगे हुए थे कि जाके अपने आप को याजक को दिखाओ और सीधा चढ़ा दो परमेश्वर के भवन में, जो भी कुछ अनुष्ठान उन्हें करना था यीशु मसीह ने कहा कि जाके करो उसे, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि जाके यहोवा की उपासना करो क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भलाई की है, और अब से यहोवा ही की उपासना करना ताकि ये रोग दोबारा से तुझ पर ना आए। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया उसको ये नहीं कहा कि जाओ फिर से जाके मजे मस्ती करो जीवन के और रोगी हो जाओगे तो फिर मेरे पास आ जाना। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया उसको यही कहा कि अब आगे से पाप मत करना, अब आगे से पाप मत करना। और जो व्यक्ति चाहता है कि वो पाप ना करे वो उपासना करना शुरू कर दे, क्योंकि उपासना ही है जो आपको परमेश्वर के मार्ग में सही ढंग से ले जा सकती है। उपासना आपको सिखाएगी उसकी बात को मानना। जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में होते हैं, तो आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको सारी बातें तार तार करके आपके सामने दिखाता है, समझाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किनके साथ संगति करना चाहिए, किनके साथ संगति नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए। ये उपासना में परमेश्वर का आत्मा, जब आप और मैं उसके साथ बैठते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तब वो ये सारी बातें आपसे मुझसे करता है। जैसा कि परमेश्वर की आत्मा ने ये बात मुझे बताई कि यदि हर एक प्रार्थना करने वाला जैसा अपनी प्रार्थना के समय पर होता है, अगर वो प्रार्थना के बाहर भी वैसा ही हो जाए तो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया अपने आप से नहीं बदलेगी, दुनिया आप लोगों को देख करके बदलेगी, आप लोगों की संगति में आपको सुन करके दुनिया बदलेगी। कोई अपने आप से नहीं बदलता, उस पर किसी ना किसी व्यक्ति का, किसी ना किसी नया जन्म पाए हुए स्त्री पुरुष का प्रभाव पड़ता है, वो किसी ना किसी के संपर्क में आता है और किसी ना किसी के द्वारा से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और प्रभु की महिमा करने लगता है। निर्गमन 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, परमेश्वर यहोवा कहता है, जितने रोग मैंने मिश्रियों पर भेजे हैं, 10 महाविपत्तियां मिश्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मैं संजीव कुमार लाठर, पास्टर संजीव कुमार लाठर, डिवाइन हेल्थ और डिवाइन हीलिंग पर बिलीव करता हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे जीवन होते हैं जिनमें कोई रोग, कोई बीमारियां नहीं होती हैं, ना जिनको दवाई खानी पड़ती है, लाइफ टाइम नहीं खानी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग बीमार रहते हैं दवाइयां खाते हैं विश्वासी, वो पापी हैं, अधर्मी हैं, अपराधी हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक स्पिरिचुअल लेवल है। जैसे मूसा का था, मरने की उम्र तक ना तो उसकी आंखों का तेज कम हुआ ना उसका पौरुष घटा। जैसे यहोशू का था, मरने की एज पे भी उसने ये वाली बात बोली कि जितना बल मुझ में तब था जब यहोवा ने मुझे लिया था, उतना ही बल मुझ में आज भी है। परमेश्वर के लोग हैं ये। पथमुस के टापू पर बूढ़ा प्रेरित योहन्ना इतनी बड़ी, इतनी विशाल बातें लिख पाया जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताई। किसी ने भी लिखने में उसकी सहायता की, लेकिन ये वो बातें थी जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से अपने लोगों तक पहुंचा दी, ताकि ये बात, ये बूढ़े लोग थे जिनका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। बुढ़ापे में आदमी भूल जाता सुबह का नाश्ता क्या हो गया कि मैंने क्या खाया था। एज फैक्टर ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर एज फैक्टर ऐसा नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं डिवाइन हेल्थ और डिवाइन हीलिंग्स पर। अगर डिवाइन लाइफ है, अगर डिवाइनिटी है, तो इसका मतलब फिर डिवाइन चीजें भी हैं। बस वहीं पहुंचना है आपको और मुझे। लिखा है कि तब तो जितने रोग मैंने मिश्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। आई एम ए हीलर, मैं सिकनेस देने वाला, बीमारी देने वाला नहीं, चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, जो तेरे अन्न जल को चंगा करेगा, तेरे रोजगार को चंगा करेगा, तेरे व्यापार को चंगा करेगा, तेरे काम धंधे की जगह को चंगा करेगा, तेरे हाथों को चंगा करेगा। जिस काम में तू हाथ डाल देगा वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, और तेरे कामों को बिगाड़ने वाला कोई नहीं होगा, ना इंसानों में और ना शैतानों में कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि उसने कहा है कि तू उपासना कर,
उपासना कर परमेश्वर की, अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना कर, और तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, रोग दूर करेगा। मेरे साथ निकालिए आप रीडिंग रेफरेंस हमारा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4:10। मत्ती रचित सुसमाचार 4:10, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 4:10, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। अब तो आपको मुझे मान ही लेना चाहिए। मत्ती 4:10 में प्रभु यीशु कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, यानी कि शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्योंकि यहां पर शैतान यीशु मसीह को कई सारी बातें बता रहा था। उसने 8 में यह बोला था यीशु मसीह को कि अपने आप को इस पहाड़ से गिरा दे। किद्रोन की घाटी का नाला था ये, किद्रोन नाले के ऊपर जो घाटी का जो पहाड़ था उसके ऊपर खड़ा करके। इतिहास बताता है कि प्रभु यीशु मसीह किद्रोन नाले के पहाड़ी के बिल्कुल परचम पर चोटी पर थे और नीचे चलने वाले लोग बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। ये एक बड़ा रहस्य, बाद में किसी इसके ऊपर बात करेंगे। तो उसने पहाड़ के ऊपर चढ़ा करके यीशु मसीह को बोला कि यहां से गिर जा। वो ये कह रहा था कि तू यीशु मसीह को, वो ये उकसाना चाहता था कि तू परमेश्वर की बात को मान, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तू गिरेगा तो स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, ऐसा लिखा है कि तुमने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करना, नहीं कि उसी की बात को मानना। अगर ये बात यहोवा मुझसे कह देगा कि कूद जा पहाड़ से, तो मैं कूद जाऊंगा। पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि पानी पे चल करके आ। अगर मान लीजिए यूहन्ना उतर जाता तो पतरस से पहले डूब जाता, वो मेरा ये विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना को जवाब नहीं दिया था, पतरस से कही थी ये वाली बात। आपको और मुझे समझना है कि शैतान या आवश्यकताएं किस बात को कहते हैं, उकसा रही है मुझे कि कर दे ये वाला काम। कभी मत करना जब तक परमेश्वर आपसे ना कहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू परमेश्वर की उपासना करना, यानी कि मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा, तेरी बात को नहीं, तेरी बात को नहीं मानूंगा मैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात सिखाई है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल और बस केवल उसी की उपासना कर, उसी की बात मान, उसी का आदर कर, उसी के कहने से कूद जा जहां कहीं वो तुझे कहे, उसी की उपासना कर बस, तब वो तेरे बीच में से तेरे अन्न और जल पर से रोग दूर करेगा, तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर कर देगा, रोगों को दूर कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा बस और बस केवल आप अपने परमेश्वर ही की उपासना करें, क्योंकि परमेश्वर की उपासना आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ले आएगी, कई प्रकार के बदलाव ले आएगी। आप लिख लीजिए, पढ़िएगा इसको अपने घर में, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7:12-15 डेटरनमी 7:12-15 पढ़िएगा। मैं उसका 15 आपको पढ़ के सुना देता हूं। और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी, आपको नहीं लगेंगी। आप केयरफुल रहें और यहोवा की उपासना करें, यहोवा की उपासना का आनंद लें, यहोवा की उपासना में मगन हो जाएं, यहोवा की उपासना में आप चलते चले जाएं और परमेश्वर आपका अपना काम आपके लिए करता रहेगा। आप बस एक काम करिए, उसकी उपासना करिए, बचने का उपाय मत ढूंढिए, उपासना कीजिए। आपको बचाना कैसे, वो यहोवा कर लेगा अपने आप, वो यहोवा कर लेगा अपने आप। व्यवस्था विवरण 28:1-14 आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा, इसे लिख लीजिए, डेटरनमी चैप्टर 28:1-14 व्यवस्था विवरण 28:1-14। मेरे साथ निकालें आप भजन संहिता 107:20 भजन संहिता 107:20 साम 107:20 यहां लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर उपासना के द्वारा से,
लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, आप जो बात परमेश्वर की मानते जाएंगे, धन्यवाद देना, आज्ञा का पालन करना, उसकी अधीनता में रहना, उसका आदर करना, उसकी उपासना करना, ये बात भी तो यहोवा ने ही कही है ना कि उसकी उपासना कर, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यहां लिखा है कि तू वह अपने वचन के द्वारा, अपनी बात के माने जाने के कारण से परमेश्वर आपको और मुझे उस गड्ढे में से बाहर निकाल लेगा, चंगा करेगा और हमें गड्ढे में से बाहर निकाल लेगा जिसमें हम पड़े हैं, निकालता है, ऐसा लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, अन्न जल की आशीष, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट में आ गए हम लोग, अन्न जल की आशीष। लेवे व्यवस्था 26 अध्याय 3 पद से 13 पद तक, लेवेटिक्स चैप्टर 26, चैप्टर 26 उत्पत्ति निर्गमन लेवे व्यवस्था, इसका 3 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। आप इसे लिख लीजिएगा, अपने घर में जरूर पढ़िएगा, आप इसे जाकर के ऐसे अपने घर में जरूर पढ़ लीजिएगा। आप लास्ट की बात, निर्गमन 15 अध्याय और 26 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप इसे मेरे साथ साथ निकाल लें। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, ये लास्ट मेमोरी वर्स है, इसे याद रखिएगा आप। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर मन लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिश्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर का स्वभाव ही चंगा करने वाला है, स्वाभाविक चंगा करने वाला परमेश्वर है वो, लेकिन उपासना करने के द्वारा से भी, उसकी बात माने जाने के द्वारा से, उसका सत्कार करने के द्वारा, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देने के द्वारा उसकी उपासना की जा सकती है। और उपासना करने वाले लोग डेफिनेटली हील होंगे। यदि आज कोई हम में ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है और उपासना करता है और अभी भी चंगा नहीं हुआ है, तो आपके पास हक और अधिकार है परमेश्वर के वचन को लेकर के उससे बात करना और अपनी चंगाई को मांग लेना। और यदि कोई बीमार है, उपासना नहीं करता है, उपासना करना शुरू करे। यदि कोई उपासना करता है वो बीमार नहीं है, तो ये इसी बात का प्रतिफल है कि वो उपासना करता है और यहोवा ने उसकी उपासना के बदले में उसके घर के अन्न जल से, उसके घर के अन्न जल पर आशीष दी है और उसके परिवार से, उसके घर के बीच में से, उनके जीवनों में से रोग को दूर किया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। परमेश्वर पिता, ये आपके वचन हैं, आपकी बातें हैं, आपके शब्द हैं प्रभु, जो आपने कहे हैं। परमेश्वर यहोवा, हम इस बात का विश्वास करते हैं कि आप कल, आज और युगानुयुग सर्वदा एक ही जैसे हैं। आप पुराने नियम से लेकर के नए नियम की आखिरी किताब तक समाये हुए हैं। परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं आपके स्वभाव के लिए प्रभु जी, आपके मिजाज के लिए जो चंगाई का है, आपका हृदय जो चंगाई का है प्रभु जी, आपका मन जो चंगाई का है प्रभु, प्रभु आपके सामर्थ्य जो चंगाई का है। आप चाहते हैं कि आपके लोग चंगे किए जाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदरणीय पवित्र आत्मा, हम में से हर एक की सहायता करें, इस कलीसिया की मदद करें कि कलीसिया उपासना करने में आनंद ले सके, ताकि उपासना के द्वारा से प्रतिफल मिले, इनके घर के अंजल और फाइनेंस पर आशीष आए और इनके बीच में से रोग दूर किए जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। God bless you and shalom on you.